आज हम अन्नापुर की साइड में आ चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संडे को मार्केट लगता है चोर बाजार, जहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार के जूते वगैरह मिलने वाले। कम से कम यहाँ पे 150 रुपये से स्टार्टिंग हो जाते हैं जूते वगैरह के रेट। और आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अन्नापुर की साइड में स्थित है चोर बाजार, जो हर संडे को सुबह 8 बजे 7 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है और 10-12 तक रहता है मार्केट। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस प्रकार के जूते वगैरह मिलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। चुके हैं अन्नापुर के साइड में, जहाँ आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ पे सड़क पे ही यहाँ पे पूरे मार्केट लगाया जाता है। जूता चप्पल लेडीज जेंट्स वगैरह के सारे पूरे होलसेल प्राइस क्या आपको चोर मार्केट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और यहाँ पे 20-30 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है चप्पल वगैरह बिकने। और आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, जो कि आपको कैन के थोड़ा सा पहले ही आपको ये नज़दीक आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं यहाँ लाइनिंग से क्या क्या है और वहाँ पे देखते हैं। मार्केट है जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए पूरे लाइन से जो हर वैरायटी के जूते से वगैरह एक से एक मिलने वाले हैं कम से कम प्राइस में। यहाँ पर जो है आपको सुबह के टाइम चोर मार्केट है और सुबह के टाइम देखिए एकदम नए के नए फ्रेश प्रोडक्ट रखे हुए हैं। देखिए जेंट्स वगैरह के पूरे आइटम हैं, जो जेंट्स के अलग अलग चीज़ों को आप देख सकते हैं किस तरह के जेंट्स के आइटम वगैरह आपको मिलने वाले हैं पूरे रेट में। और यहाँ पे हर संडे को काफ़ी भीड़ भी होता है, आप देख सकते हैं सुबह के टाइम। यहाँ देखिए आपको एक से एक ब्रांडेड से लेकर हर तरह के आपको जूते वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर। और आगे इसी तरह आपको देखिए आगे आपको रेंज मिलेंगे चप्पल्स वगैरह की। यहाँ देखिए हर प्रकार के चप्पल्स, हवाई चप्पल्स वगैरह मिलने वाले हैं यहाँ पर, बच्चों के, जेंट्स के, लेडीज़ के। और यहाँ देखें अनगिनत ऐसे चप्पल हैं जो आपको 20-30 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती हैं। और यहाँ देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की। और ये देखिए लेडीज़ आइटम वगैरह हैं, जहाँ देख सकते हैं यहाँ सिर्फ लेडीज़ चप्पलें वगैरह आपको मिल जाएंगी, लेडीज़ भी है जेंट्स भी मिल जाएंगे। और आप देख रहे हैं किस प्रकार की है चप्पल वगैरह, सुबह ये संडे को ही मार्केट लगता है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको चप्पल्स वगैरह मिल जाएंगे और ये जूते वगैरह मिलने वाले हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के जूते वगैरह मिल जाएंगे आपको। और हर वैरायटी में देखिए स्पोर्ट वगैरह जूते वगैरह आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे एक तरफ के। आप देख सकते हैं किस तरह के आपको लाइन बाई लाइन यहाँ पे पूरी मार्केट आपको अन्नापुर से लेके आगे तक लगे हुए हैं। जहाँ देखा कि किस तरह यहाँ के मार्केटों में हर संडे को भीड़ होता है, आप संडे को अन्नापुर की साइड में आते हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर भीड़ वगैरह होती है, किस प्रकार जूते वगैरह मिलते हैं आप देख सकते हैं। ये बच्चों के कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वैरायटी हैं, जहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको कितने जूते वगैरह मिल जाएंगे आप देख सकते हैं इस तरह के। और आगे भी आपको वीडियो के लिए मार्केट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक से एक ब्रांडेड से लेकर हर तरह के शूज वगैरह मिलने वाले हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे संडे को आकर हमेशा परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हर संडे को सुबह 7 बजे से ही मार्केट लग जाता है और काफ़ी भीड़। आज बारिश होने के कारण मार्केट काफ़ी लेट में लगा है, जहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये साइड में कितना भीड़ लगा हुआ है, जो मार्केट में परचेजिंग वगैरह लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको जेंट्स, लेडीज, बच्चों के हर प्रकार की चप्पल्स वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ की मार्केट है। और ये देखिए आगे भी आपको दिखा रहे पूरे लाइन से लगे हुए पूरे। और यहाँ हर कस्टमर जो है परचेजिंग वगैरह करने में लगे हुए हैं। यहाँ देखिए किस प्रकार के आपको मिलने वाले हैं, हम देख सकते हैं कि सुबह 8 से लेकर करीब 11-12 तक मार्केट खुली होती है। और जो कि आप यहाँ पर हर प्रकार के बच्चों से लेकर जेंट्स से लेकर मतलब मिल सकते हैं। और ये आपको अन्नापुर से लेकर टेलियाबाग मोड़ तक पूरी दुकानें लाइन से लगी रहती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और सुबह के टाइम ही भीड़ लगता है, क्योंकि 12 बजे के बाद ये मार्केट यहाँ पर लग जाती है और सुबह के टाइम ही यहाँ पे आवागम चालू हो जाता है। 7 से 6, 7 बजे के 8 बजे के बीच में आपको आइए और कभी भी ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्वागत है संदीप के ब्लॉग्स में, जहाँ पर हर प्रकार की वीडियो और बनारस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर से कमेंट करें और लाइक करें जरूर।